के आंसू बार बार छलके, एक पिता की बेबसी बार बार भावुक कर रही थी। लेकिन जब बात बेटी के लिए इंसाफ की आई तो पिता का अभिमान जाग उठा। उन्होंने आफताब पर संगीन आरोपों की झड़ी लगाई। क्या इसमें लगता है कोई लव जिहाद का एंगल लगता है कि लव जिहाद यानी धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, क्या उसको लगता है कि आफताब शुरू से उसके एक टारगेट रहा होगा कि नहीं इस तरीके से फंसाओ और उसके बाद शादी करो या फिर शादी नहीं करो और जबरदस्ती कुछ करो ऐसा? शादी के बारे में तो उसने पहले ही कहा था कि हम लोग शायद शादी नहीं करेंगे, लिविंग में रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो उसका जो सामने आ रहा है, जो हिंदू लड़की के बारे में ही सब सच सामने आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंगल से भी शायद उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लग रहा है कि कुछ लव जिहाद का इसमें एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ बिल्कुल। कातिल आफताब को लेकर श्रद्धा के पिता ने इंडिया न्यूज पर जो खुलासे किए वह हैरान कर देने वाले। उन्होंने दावा किया कि आफताब सबके सामने श्रद्धा पर दुर्ग विधाता था। नहीं, मुझे तो कभी ऐसा डाउट नहीं आया उनके बारे में, लेकिन मुझे वो शुरू से ही वो लड़का पसंद नहीं था, मैं तो उसके खिलाफ ही था। तो शायद एक बार उसने उन दोनों का कुछ झगड़े जैसे ही चल रहा था, तभी भी मैंने महसूस किया कि इनका ठीक से नहीं आगे चल के हो पाएगा, इसके लिए मैंने उसको मना किया। उनके काम के सिलसिले में वो बातचीत कर रहे थे, तभी उनका झगड़ा हो रहा था। आपके घर पे झगड़ा हो रहा था? जी जी। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, मतलब घर पे आपके सामने झगड़ा हुआ था और उसके बावजूद भी बेटी उसका साथ दे रही। जी जी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर के संगीन आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने आफताब के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने सच छिपाया। अब सवाल यहाँ से बड़ा ये उठता है विकास साहब कि जो बच्ची को लगातार आप लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया आपको बताने के बजाय, वो उसके माँ बहन आफताब के माँ बाप उसको समझाते थे और समझाया, उस दिन की बात कर रहा हूँ जो 23 नवंबर को मारपिटाई किया था, कि नहीं अब आगे से गड़बड़ी नहीं करेगा और अब सब कुछ करेगा, यानी आफताब के जो माँ बाप है उन लोगों ने समझाया बेटी को, कैसे देखते हैं आप इसको माँ बाप के और उसके भाई के इस चीजों को? नहीं, वो वही चाहते थे उनको जो जो उनके मन में है, अगर वो अगर मेरी बेटी का मतलब अच्छा चाहते थे होते तो शायद मुझे भी ये बताने की कोशिश करते थे कि ये आपकी बेटी का आपके बेटी के बारे में भी आप ध्यान दो करके। तब उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने मेरे से सब कुछ छुपा के उन्होंने फिर वापस उस बेटी मेरी बेटी को उसके साथ भेज दिया। श्रद्धा की हत्या के खुलासे के बाद से परिवार पर गम का पहाड़ टूटा है, परिवार वाले गम में डूबे हुए। उनकी शिकायत मुंबई पुलिस से हुई जिन्होंने 2020 में श्रद्धा की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। विकास वालकर का यह दर्द इंडिया न्यूज से बातचीत में छलकाया। लेकिन सवाल उसी पे आता है वापस कि तुलित पुलिस स्टेशन का हुआ वाकया जो 2020 में कंप्लेन किया था नवंबर महीने में 2020 में, और उसमें साफ साफ लिखा था किस तरीके से उसका मारपिटाई किया गया है, और लगता है कि तुलित पुलिस स्टेशन ने सही तरीके से एक्ट नहीं किया जिसका नतीजा है यार आपकी बेटी आपके पास बिटिया नहीं है। जी जी, वो जब भी मेरे बेटी ने ऐसा लिखा था कि वो जो कुछ अभी जो घट रहा है वो सब सच हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी उसके पूरे फैमिली को पता थी और मुझे सिर्फ पुलिस वालों ने नहीं दी, तो ये मुझे वो पुलिस वालों ने मुझे बताना चाहिए था कि ये मतलब ये तकलीफ में है करके मेरी बेटी, तब ये क्यों नहीं बताया उन्होंने, तो इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यही वजह कि आप जाके देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी यही वजह की हो कि ताकि आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला? जी हाँ, उन्होंने वही पूछा था कि मैंने वही जवाब पूछा कि ये अगर पुलिस वालों ने अगर पहले से ही ये बताया होता तो शायद मेरी बेटी जिंदा होती, लेकिन इस अगर ये ऐसा वाकया हुआ है तो अभी उसकी पूरी जांच होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, श्रद्धा के पिता ने कसाई आफताब पर बेटी को बरगलाने और बहकाने का भी आरोप लगाया। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।
तो शुद्ध के पिता का बयान आपने सुना। सीधे मुंबई चलते हैं, अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, और इसके अलावा रजत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो श्रद्धा के दोस्त, और इसके अलावा पूनम बिड़ला सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और श्रद्धा की इन्होंने मदद भी की थी, पहले एक केस हुआ था उसमें श्रद्धा की इन्होंने मदद की थी। अभिषेक पहले ये बताइएगा कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वहां पर की जो कार्रवाई है, जिन लोगों से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर चुकी है, उन्होंने क्या क्या इनपुट पुलिस को दिए हैं अभी तक? दिल्ली पुलिस का एक तो नहीं कहना, 2000 लोगों से लगातार यहाँ पर पूछताछ की है, वसई और मुंबई के तमाम लोग जुड़े हुए इस केस से। पूछताछ के बाद तमाम अहम जानकारियां दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है, उसमें हाँ महाराष्ट्र पुलिस ने भी बहुत ज्यादा उनको योगदान दिया है, सफल उनको सहयोग किया है। लेकिन देखिए यह तो बात रही दिल्ली पुलिस आकर तमाम जांच पड़ताल तो की है, लेकिन सवाल खड़ा होता है इस पर अबुलित पर मामले पर, आखिरकार जो महाराष्ट्र पुलिस है, जो वसई की पुलिस है, यानी जो माननीय पुलिस प्रशासन है, उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पूरे केस को कहीं लिपापोती करने काम किया है, और यही वजह रहा है कि आज उनकी बेटी जिंदा नहीं है। और एक बार आपको बड़ा अपडेट और दे दूं कि इस मामले पर महाराष्ट्र से जांच के आदेश दे दिए गए हैं पुलिस प्रशासन और माननीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ, ताकि कौन कौन अटका दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब यकीन मानिए कि इंडिया न्यूज के इस इंटरव्यू के बाद, जो कि देश का सबसे पहला बड़ा इंटरव्यू है, आपके जो तमाम उसके तमाम रवैये हैं, तमाम उसके काले कारनामे हैं, श्रद्धा के पिता का इंटरव्यू है, उसमें साफ साफ समझ में आता है कि महाराष्ट्र पुलिस के तमाम अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाएगी, और कई अधिकारी इस पे नपने वाले हैं, बात तय हो गई, क्योंकि उन्होंने इस पूरे केस को लिपापोती करने काम किया है, और श्रद्धा यही वजह है कि जिसकी आज मौत हो चुकी है, और आपका जल्द उसे मार डाला है। जी ठीक है, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आपने इंटरव्यू लिया, जो आपके सामने आपके कैमरे पर बयान दिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। पूनम बिड़ला इस वक्त हमारे साथ है। पूनम, ये बताइएगा कि आपके संपर्क में कैसे आना हुआ? पहले आपने मदद की थी, एक और केस हुआ था इससे पहले। जी 2020 में वो मेरे पास आई थी नवंबर में जी, उस टाइम पे आफ्ताब ने मुझे बहुत मारा था, और उसके गले पे और आंख पे और पीठ पे बहुत चोट लगी थी, तब वो आई थी मेरे पास। ठीक है, आफ्ताब से आपकी कभी मुलाकात हुई? जी नहीं सर, आफ्ताब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, जब वो मेरे पास आई थी तब वो उसको उस टाइम पे भी कॉल करके वापस बुला रहा था। कभी आपने फोन पर उससे बातचीत की हो, समझाया हो उसको? श्रद्धा ने उससे बात नहीं कराई, हम लोगों ने काफी समझाया था कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए वापस। क्या बात बताई थी श्रद्धा ने उस वक्त? वही कि वो उसको हमेशा मारता पीटता है, गुस्सा करता है, कभी भी गुस्सा आता है उसे बहुत मारता है। मैंने उस टाइम उसको यही चीज समझाई थी कि वो आपको इतना मारता है तो आपको उसके साथ में नहीं रहना चाहिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, उनके साथ में रहिए, नहीं तो उनको सब बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपके पास आएंगे। अभिषेक ये बताइएगा कि जो बयान श्रद्धा के पिता ने दिया है, उसको क्या पुलिस एक एविडेंस मानेगी? उसका कितना रोल रहेगा इस पूरे केस में? कितनी गंभीरता से पुलिस ले रही है इस पूरे बयान को? बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास तमाम जो सबूत इकट्ठा लगातार हुए हैं, उन सबूतों में बिल्कुल सत्ता के जो पिता है उनके बयान का पहर तो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पिता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जो उनके दोस्त हैं, जो दोस्त है, जो पूनम बिड़ला है इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी बयान दिया है पुलिस के सामने, इनका भी रिकॉर्ड हुआ है बयान। इतना रजत शुक्ला जो हमारे साथ मौजूद था, उनका भी बयान हुआ है पुलिस के साथ, एंड दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के भी बयान लिए हैं। यानी सब कुछ आवाज रिकॉर्ड आ चुका है, उसकी तमाम जो कलेजें खुल चुकी है, और इन लोगों ने तमाम चीजों के बताया जो उनके श्रद्धा के तमाम जो दोस्त रहे हैं, उन लोगों ने दोस्ती नहीं बल्कि आफ्ताब के भी कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने भी उसकी कलाई खोली है कि किस तरीके से वह इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दिया है, कैसा उसका व्यवहार था। जी, जिन दोस्त की आप बात कर रहे हैं, एक कॉमन फ्रेंड रजत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, श्रद्धा के दोस्त हैं। रजत ये बताएगा कि आप कॉलेज टाइम फ्रेंड हैं, और इसके अलावा जो कुछ आप जानते हैं, किस तरह का बिहेवियर था, किस तरह का दोनों का रिश्ता था, कब आपको पता लगा कि ये रिलेशनशिप में है? 2019 में पहली बार पता चला था, खैर जिस तरीके से अभी मीडिया के सामने उतनी बातें कि कोई बेटी आपसे मिले तो इस बात पूछता नहीं है, क्योंकि सोर्स से आई है इस बात को मेरे ख्याल से चेक करने की जरूरत है। जितना हमें बताया गया था, ये दोनों